चलो बच्चा एक और नया सम। यहाँ सम में आपको ध्यान दिया क्या रखना है, तो यहाँ सम में दिया हुआ है आपको एक पॉलिनोमियल, और यहाँ जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसके अंदर कोई मिसिंग फिग आप बोलोगे, जैसे ए बी ढूंढना है, ऐसा ढूंढना है, और दूसरा हमें एक पॉलिनोमियल से उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ ये ध्यान में रखना है, ये पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा तो ही डिवाइड प्रॉपर कर पाएंगे, जिससे रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। रिमाइंडर को हमें कंपेयर करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ जीरो के साथ कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर से ये जो पॉलिनोमियल दिया होगा, देखो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय ये पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट वो है, सबसे पहले जो है प्रॉपर लिखते चलते, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा डिविडेंड है। क्या है बच्चा, डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करना है जिसको हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फैक्टर होगा तब भी जाके रिमाइंडर जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो ही हमारा सम ढूंढ के हम जो ए और बी ढूंढना है वो हम ढूंढ सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने ये लिख दिया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जो एज यूजल हम करते हैं वैसे ही, आप बोलोगे सर यहाँ डिविडेंड जो हमारा है उसकी हाईएस्ट पावर आप देखो तो x की पावर 4 डिवाइड बाय यहाँ पे डिवाइजर की जो पावर है वो लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, तो यहाँ पे हमारे डिवाइजर के साथ। पहले तो यहाँ पे हम x स्क्वायर ले लेंगे एज अ कोशेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 2 इंटू 2, मतलब आप बोलोगे 2 पावर करनी है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। सेम वे बच्चा यहाँ आप बोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखना x की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये भी माइनस तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज 8 में से 1 जाएगा तो प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर, चलो इतना होते ही अब आ जाएगा हमारा स्टेप 2। तो यहाँ से हमने लिखना शुरू किया स्टेप 2। तो ये स्टेप 2 में हमें ध्यान क्या रखना है बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम एक्स क्यूब डिवाइड बाय अब बोलोगे एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स एक्स इंटू अब बोलोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्स। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे आप बोलोगे एक्स यहाँ पे हमने लिखा, अब गेम शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू होगा, ये माइनस तो ये एक्स क्यूब, और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे होगा 7x स्क्वायर, और यहाँ कैसे करेंगे वो देखना, ए एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन निकाल दिया तो आप बोलोगे ए प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पे ए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या प्लस, एक्स को कॉमन निकाला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस 1 इंटू एक्स और ये बी। क्लियर, क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के तौर पे एक्स लिख देंगे प्लस एक्स। क्लियर, तो यहाँ से आगे चलते हैं स्टेप 3 की ओर। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x स्क्वायर डिवाइड बाय आप बोलोगे x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7, और 7 यहाँ प्लस 7 कर दो तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर,
और ये 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7x2 और यहाँ पे आप बोलोगे प्लस 7। अब ये ध्यान में रखना बच्चा, सर ने क्यों x के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ x के फॉर्म में है और ये 7 एक कांस्टेंट टर्म है, b भी एक कांस्टेंट टर्म के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? चलो बच्चा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस आप बोलोगे b माइनस 7, तो b माइनस 7 हमारी एक दूसरी टर्म आ जाएगी। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा अब लास्ट स्टेप की ओर आ गया। अब हमें पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। सपोज इसका फैक्टर है तो ऑलवेज जीरो होता ही है, और हमने पहले लिखा था g of x is a factor of f of x, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो आप बोलोगे a ये जो दिया हुआ है उसके साथ ये रिमाइंडर को जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो a माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने यही स्टेप को प्रॉपर लिखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x को डिवीजन में ले गए तो 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो प्लस 1 क्योंकि दूसरी साइड गया वो, और b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा क्योंकि ये 7 जो माइनस 7 है वो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो हमें a एंड b जो ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया, a हमारा 1 होगा, b हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, स्टेप बाय स्टेप समझ के करना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे लगता है बच्चों को गलती हो सकती है, एक ये स्टेप और ये स्टेप को कंपेयर करने में भी ध्यान रखना, तो बस ये स्टेप ध्यान रखना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।